हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अभी सीखेंगे कि और एक इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे। ये है RSI डाइवर्जन। जो भी कोई हमारे वीडियो देख रहे हैं और हमारे वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, तो आप काइंडली शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम एक इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। हम जो वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं, यह ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। हम जो वर्सन यूज कर रहे हैं वो पेड वर्सन है, और इस वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी 3 इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं जनरली। तो आप इस वेबसाइट को यूज कर आप किसी भी स्टॉक के बारे में आपको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलेगा, और इसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो आइए हम देखते हैं कि एक स्टॉक के बारे में हमको कैसे पता लगेगा इस इंडिकेटर के बारे में। सभी RSI यूज करते हैं, हम आज बताएंगे RSI डाइवर्जन आप कैसे यूज करेंगे और ये कैसे काम करता है। हमने एक स्टॉक लिया है TCS। TCS को हम देखते हैं ये RSI डाइवर्जन कैसे है। हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम बेस्ड कॉलर बार इसमें इंसर्ट किए हैं, लगाया है। ये क्या है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कैसे वॉल्यूम बेस्ड कॉलर बार आप जब इंडिकेटर यूज करते हैं तो इसे कैसे काम करता है, इसे कंबाइन कर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि RSI डाइवर्जन कैसे काम करता है। RSI डाइवर्जन ऐसा एक है, आपको जाना है ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ये इंडिकेटर। यहाँ पर जाकर आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको डाइवर्जन देखकर आपको लगाना है, ये वाला आ जाएगा, डाइवर्जन आ जाएगा। तो RSI डाइवर्जन आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको मैंने क्या बोला क्या था कि आप 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज करेंगे, 30 मिनट या 1 आवर का कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज करना चाहिए। ये RSI क्या है, देखिए जब आपका डाइवर्जन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जन आ गया है, इसका भी आप सेटिंग में भी जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके KD लाइन के ऊपर कौन सा कलर है, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और चेंज किया है। हिडन डाइवर्जन कहाँ पर है, आप इसको शो करने से हिडन डाइवर्जन जहाँ पर है वो आपको शो हो जाएगा। लेकिन आपको जितना चाहिए, जो जो कलर आपको सपोर्ट करेगा, इस यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, इनपुट में आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला क्या है कि आपको RSI डाइवर्जन से आपको पूरे के पूरे एक अच्छे तरह से 70-80% कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। जो RSI है, सभी ने RSI यूज करते हैं, और RSI को मॉडिफाई किया है, स्टोकास्टिक RSI थोड़ा सा फास्ट है, और उसके बाद इसको RSI डाइवर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये क्या है कि अच्छा खासा आपको कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक कितने ऊपर जाएगा कितने नीचे आएगा। आप देखिए कि यहाँ पर डाइवर्जन आ गया है, देखिए यहाँ पर डाइवर्जन जैसे आ गया है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ से आपको वेट करना चाहिए। ये जो कंफर्मेशन हुआ, डाइवर्जन हुआ है, आपको यहाँ से लेना है, और यहाँ से देखकर एक ही इंडिकेटर कभी यूज मत करना। ये मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब काम करेंगे तो 1-2-3 इंडिकेटर एक साथ लगाकर आपको कंफर्मेशन मिला तो आप एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वॉल्यूम बेस्ड कलर बार जो है, देखिए आप यहाँ पर डाइवर्जन मिला, लेकिन ये जो डाइवर्जन मिला यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ये अपन स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हो गया है। देखिए यहाँ पर स्पिनिंग टॉप हुआ है, और ये जो नीचे में बार जो शेडो फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। ये कैंडल में आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस कैंडल में ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। आपको कैसे पता लगा कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है? क्या क्यों स्ट्रेंथ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है।
तो यहाँ पर देखो कि नीचे में शैडो फॉर्मेशन हो गया, नीचे में शैडो फॉर्मेशन हो गया, नीचे में शैडो फॉर्मेशन हो गया है। और ये क्या आपको ये इंडिकेट करता है कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। जब स्ट्रेंथ आ जाएगा तो देखिए ये कैंडल को, देखिए ये कैंडल को, देखिए ये कैंडल में, देखिए इसके बाद आपका वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे में चला गया, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नेगेटिव में फॉर्मेशन हो रहा है। और देखिए ये वाला जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये स्पिनिंग टॉप हुआ, इसके बाद जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल को देखिए, यहाँ पर नीचे में कहाँ पर है शेडो, यानी ये जो कैंडल में स्ट्रेंथ आ गया है, यानी डाइवर्जन तो यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया है, ये भी डाइवर्जन है, लेकिन ये वाला जो कंफर्मेशन आपको मिला है यहाँ पर आपको एंट्री करेंगे तो ये कैंडल में आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आएगा। क्योंकि देखिए हेकिनेशन कैंडल आप यूज करते हैं, हेकिनेशन कैंडल का एक खासियत ये है कि आपके एवरेज के साथ ये आपको एक ट्रेंड कंफर्मेशन देता है, यानी जिस कैंडल में नीचे शैडो नहीं होगा, ये शैडो आप देखिए नीचे में शैडो है, जिस कैंडल के नीचे में शैडो 1 आवर, देखिए जिस कैंडल के नीचे में शैडो नहीं है और उसके साथ वॉल्यूम कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, RSI डाइवर्जन मिल रहा है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। ये जो RSI डाइवर्जन जो हमने आपको दिखाया है, देखिए RSI आपको कितना कंफर्मेशन आपको देता है, ये 1 आवर का है, जो देखिए यहाँ पर RSI ये हो गया है, डाइवर्जन हो गया है, यहाँ से यहाँ तक आया, और इसके साथ आप देखिए कितना आपको कैंडल स्टिक में आपको मिल रहा है, यहाँ से देखिए कैंडल स्टिक के टू फॉर्मेशन कर कर यहाँ तक आया है। तो आप क्या करेंगे कि RSI डाइवर्जन में आपको लगभग अच्छा कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कोई भी स्टॉक कितने ऊपर आएगा, वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे तो अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ये दूसरे वाले इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, नमस्कार।